हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम बनाएंगे तंदूरी नान। ये मैंने 1 किलो मैदा लिया है, इसमें मैंने डाला है नमक, ये मैंने चुटकी भर डाला है बेकिंग पाउडर, आप चाहे तो मीठा सोडा भी ले सकते हैं, और ये मैंने लिया है इनो। तो 1 केजी में आप 1 इनो डाल दें। अगर आपने प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, ये बहुत आसान रेसिपी है, अगर जब भी मन करता है तो हम घर पे बनाकर कभी भी बना सकते हैं घर पर। ये मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, आप जो भी ऑयल खाते हो आप वो डाल लें। मैंने करीबन लिया है 1 केजी मैदा में 60-70 ग्राम के आसपास। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे और इसे आटे से मुलायम गूंदेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मुलायम गूंदेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें। आप देख सकते हैं हमारी मैदा रेडी है। इसमें थोड़े हाथ अच्छी तरह से लगाकर और इसको अच्छी तरह दबा दबा के हमें गूंदना है, और साथ ही हमें इसमें हम थोड़ा सा हाथ में अपने ऑयल लगाएंगे और चारों तरफ लगा के अच्छी तरह से इकट्ठा करके 4 से 5 घंटे हम इसको ढक कर रख देंगे। अब हमारे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, अब इसको हम देखते हैं। हमारी मैदा फूल के और रेडी हो चुकी है और तैयार हो गई हमारी मैदा। अब इसमें हम हल्का सा अपने हाथ में ऑयल लगा के इसको अच्छे से इकट्ठा करके इसको गूंदेंगे करीबन 1 या 2 मिनट तक। इसको हम ऐसे गूंद लेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारी मैदा भी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम इकट्ठा करके एक साइड में रख देंगे। ये हमारी मैदा रेडी है। अब ये मैंने लिया है आलू का भरता, जो इसमें हम डालेंगे। तो इसमें मैंने लिए है 4 आलू उबले हुए, नमक मिर्च स्वाद के अनुसार नमक लिया है, धनिया डाल दिया इसमें। आप जो भी चाहें आलू के साथ में गाजर, चुकंदर या शिमला मिर्च बारीक काट के डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो वाली रेसिपी वेजिटेबल डाल लें। अब ये मैंने आटे से थोड़ी सी बड़ी लोई ली है और इसको हमें ऐसे करके और इसको इसमें हम आलू भर देंगे। अब इसको हमें इकट्ठा करके बंद कर देना है। ये हमने इसे बंद कर दिया, अब गोल करके इसे हम एक साइड में रख देंगे। ये हमने रख दिया है, अब ऐसे ही मैं एक और लूँगी, गोल करेंगे आटे की तरह लोई लेके, जैसे हम रोटी की लोई करते हैं वैसे करके गोल। अब इसमें हम रखेंगे अपना स्टफिंग जो हमें भरनी है, ये हमने डाल दिया। डालने के बाद हमारे रेडी हो गए
अब इसको हम बेलेंगे। इसे हमें हल्के हल्के हाथों से बेलना है। और है ना, कभी कभार जैसे मन करता है घर पे, जब मर्जी हम लोग बना लेते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप देख सकते हैं, और आप चाहे तो इसे गोल लंबे आकार जैसा भी दे सकते हैं। ये मैं एक और मैंने उसे बेल के साइड में रख लिया है। अब मैं इसको दोबारा एक और बेलूँगी। यह मैंने बेल दिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा बनाऊंगी। आप देख सकते हैं ये हमारी हो गई रेडी। और मैंने तवा भी गरम करने रख दिया है गैस पे, तो आप तवा भी साथ ही साथ रख दें गरम करने के लिए। अब इसको हम अपने हाथ पे उठाएंगे, जो नीचे की साइड है ना, तो उस पे हमें पानी लेके और पूरे पे लगा देना है, क्योंकि ये तवे पे अच्छी तरह से चिपक जाए। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने तवा रख दिया गरम करने के लिए। अब इसको हम इस पे रख देंगे। अब ये हमारा सिक रहा है। अब इसको हम उठाएंगे ऐसे, तो चिमटे से उठेगा नहीं, गर्म है ये। इसको मैं वापस इसी पे रख दूंगी, क्योंकि मेरे तवे के हैंडल ना, उसका डंडा टूट गया है, तो इसलिए वो गर्म है, इसलिए मैं उसको आराम से उठाऊंगी। इसको हमें पहले उल्टा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे की साइड ही कैसा सिक रहा है। आप देख सकते हैं ये सिक रहा है नीचे की साइड से। हमें एक साइड से इसको अच्छी तरह से ऐसे ही सेक लेने हैं। बिल्कुल किनारी किनारी भी सिक जाती है, इसमें कच्ची भी कुछ नहीं रहता। मैंने नान के साथ, मैंने आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी आलू नान सिकी है, तंदूरी की नाई। तंदूर नान को भी ये फेल कर दे ऐसी है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी तंदूरी नान की रेसिपी कैसी लगी है। ये मुझे किसी से छुटाना पड़ेगा क्योंकि गर्म है। देख सकते हैं करारी भी हो चुकी है वो। मैंने इसके साथ में शाही पनीर और छोले की सब्जी बनाई है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख लेना। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।